सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज आपको कोई व्लॉग श्लॉग नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ भाई व्लॉगिंग श्लॉगिंग, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों की वजह से। आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो यार फायदा क्या है व्लॉग बनाने का। मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है व्लॉग बनाने का यार। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते रहो, सब कुछ करते रहो और आप लोग भाई कोई रिस्पांस ही नहीं देते हो यार। तो मैंने भाई आज फाइनली सोच लिया है कि अब मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगा, ठीक है, और आज मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे और भी काम होते हैं तो वो भी करने होते हैं। और आप लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, कमेंट लाइक बढ़ा ही नहीं रहे हो यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, चैनल वहीं के वहीं पर अटका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा है आगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है भाई अपना भी टाइम वेस्ट करने से। इससे बढ़िया मैं कुछ और काम करूँगा, ठीक है। मैं तो बहुत ही यार कसम से बहुत ज़्यादा निराश हूँ यार आप लोगों से यार। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग कोई हेल्प मेरी कर नहीं रहे हो। मजाक कर रहा था आप लोग। सीरियस मत ले रहा, मजाक कर रहा था भाई आप लोग। लेकिन ये बात सच है कि आप लोग मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो, कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं कर रहे आप लोग। भाई करो यार, कब करोगे। तो गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ये बात सच है कि आज आपको कोई व्लॉग नहीं मिलने वाला, ये सच है, आज का कोई व्लॉग नहीं मिलने वाला, पहले का व्लॉग बना हुआ है। तो 650 मीटियोर की मैंने करवाई थी सर्विस, फर्स्ट सर्विस, तो आज उसका व्लॉग है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। तो गाइस आप व्लॉग देखो और मुझे बताओ कि अगर आपके पास 650 मीटियोर है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और मेरा फर्स्ट सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आप देखो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ भाई। बता दिया करो, लाइक शेयर कमेंट्स करा करो, बाय बाय। सो भाई अभी क्या क्या रह गया अपनी गाड़ी में है भाई? टैबिट का काम रह गया है, बाकी गाइस आज फर्स्ट सर्विस है तो फर्स्ट सर्विस पे हमें पता लगा है कि भाई हम तो ये सोच रहे थे भाई खाली चेकअप चेकअप होगा। लेकिन क्या क्या हो गए भाई साहब, सही बता फर्स्ट सर्विस के। अच्छा तो खैर भाई गाइस अभी गाड़ी पूरी खुल चुकी है, ये देखो अपनी फर्स्ट सर्विस चल रही है आज बाइक की। और भाई दुख भी हो रहा क्योंकि देखो ये यहाँ पर इसके, ये देख रहे हो आप, अब ये मुझे लग रहा लेमिनेशन नहीं है, पेंट में नहीं है। हाँ मुझे भी पहले वही लग रहा था। हाँ तो भाई हमने तो बहुत प्यार से रख रखा तो हम नहीं चाहते इस पर कोई भी स्क्रैच आए, ठीक है। बाकी खैर बहुत प्यार से कर रहे हैं लोग सर्विस इसकी, और अब इसमें जो है मोबिल ऑयल वगैरह सब चेंज कर दिया और ब्रेक शू वगैरह सब चेक कर लिए, ब्रेक शू वगैरह भी चेक कर लिए। इंजन इंजन देखो आप इसका, ये पूरे टेबिट वगैरह इसके आप पूरे अच्छी तरीके से ये टाइट करेंगे टेबिट वगैरह। फर्स्ट सर्विस में हमें पता लगा है गाइस इसके टेबिट वगैरह टाइट होते हैं, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता था कि भाई फर्स्ट सर्विस पर भी टेबिट टाइट होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन चलो खैर ये नई चीज़ हमें पता लगी रॉयल इनफील्ड की। और बाकी तो आप देख ही रहे हो बाइक तो कितनी ज़्यादा बल्कि है ही, इंजन की वजह से इतना ज़्यादा बल्क लगता है। और देखते हैं आज फर्स्ट सर्विस का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है। क्यों भाई जी? जी भाई जी, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस? अच्छा रहेगा भैया, बढ़िया रहेगा। बाकी आप बता रहे बाकी एल्फी तो नहीं देने की किसी चीज़ में हमें आप? अभी तक तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। और मैं बता दूंगा मैं आया सीधा जिम से सरगाम भाई के पास, क्योंकि मैं जिम कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि आज हमें एकदम से सर्विस के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी अपनी चल चुकी थी ना 500, तो उसकी फर्स्ट सर्विस हमें करवानी ही करवानी थी, तो इसलिए हम आ गए। बाकी अच्छा ये फेंडर में ना, हाँ इसका ये 350 का फेंडर है और भाई ये इसका फेंडर है, बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है फेंडर में, बहुत फ़र्क है। ये 350 मीटियोर खड़ी है इधर, ठीक है, इधर ये 650 है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। इसके इंजन में ना, इसके इंजन में तो ये गैप्स है ना, ये गैप दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे, इसमें देख रहे हो आप बल्क, इसका कितना ज़्यादा बल्क दिखता है, अलग ही दिखती है। बाकी ये रॉयल इनफील्ड का सर्विस स्टेशन इधर अपना बढ़िया तरीके से लगी हुई है सारी बाइकें वाइकें, और स्पेस भी बढ़िया है इनके पास। फर्स्ट एक्सपीरियंस रॉयल इनफील्ड का कैसा रहने वाला है ये देखते हैं, क्योंकि उम्मीद मुझे बहुत है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का जो है मैंने ये सुना है कि उनका एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है, मतलब रॉयल इनफील्ड वाले फुल हेल्प करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई ना तो पूरी हेल्प करते हैं, ये मैंने सुना है। बाकी आज
सर्विस वगैरह करने के बाद पूरा एक्सपीरियंस होगा हमें कि क्या होना है क्या नहीं। टेपिट हो रही है इधर से भाई, टेपिट का मसला तो ऐसा होता है ना, बस ये किसी किसी की समझ आता भाई, ये ऐसा नहीं है, ये सारा खेल यही है, क्योंकि ये अगर टाइमिंग का मसला है, इसमें अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ आ गई ना, हाँ तो मसला हो जाता है। इससे गेज वगैरह चेक होते हैं, इसका गेज मीटर है जिससे टेपिट का पता लगेगा कितने लूज है और कितने इसे परफेक्ट टाइट कर देंगे। अभी इंजन तो भाई इसका, इंजन की तो भाई इसके क्या कहते हैं, बड़ा इंजन है। भैया का नाम श्याम, क्या श्याम मेहता, अरे श्याम मेहता भैया यहाँ पे मुझे लगे ना जी जी, ठीक 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 है। श्याम मेहता के नाम से आपका चैनल भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे दद्दू भाई हैं, ये अभी श्याम भाई की तारीफ होगी बिल्कुल सर्विस के बाद, सर्विस से पहले कोई तारीफ नहीं होती। ये अपने दद्दू हैं, दद्दू भैया जो श्याम भाई ने बताया इनका नाम, अभी तो बताया तुमने नाम, तारीफ आरिफ, तो भाई आरिफ भाई है और आरिफ भाई की तारीफ है। तारीफ क्या है मैं बता दूं भाई, ये है खतरनाक राइडर, राइडर के साथ साथ बढ़िया मैकेनिक भी है। जो गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम हो ना सुपर बाइक में, तो सुपर बाइक बहुत बढ़िया तरीके से चेक कर लेते हैं। बाकी अभी श्याम भाई इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो इनसे करवाएंगे थोड़ा बहुत काम अपनी सुपर बाइक वगैरह में। ये पैकिंग है, अच्छा ये पैकिंग है कहीं, ये ओरिजिनल पैकिंग भाई यहीं पे मिलती होगी, अगर बाहर से ये दिक्कत होती होगी बस इसमें पैकिंग में फर्क होता होगा, क्वालिटी का है ना, लोकल बनी हुई है अब तक। हाँ अच्छा लोकल, हाँ बनी भी नहीं होगी, सही बात है। मार्केट में मिलेगी थी आपको ये टैपिट हो गए बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छा ये टैपिट की आवाज होती है इसमें खन खन की जी भैया, वो टाइट होने के बाद खत्म हो जाएगी है। तो ये हर सर्विस पे टाइट होते हैं क्या? नहीं भैया, नहीं सर, फर्स्ट सर्विस पे, फर्स्ट सर्विस होंगे, फिर आपके थर्ड सर्विस होंगे। अच्छा फिर थर्ड सर्विस पे ये टैपिट है, हर किसी से भी नहीं होते, हर किसी मैकेनिक नहीं है, ये जो प्रोफेशनल होता है ना उसी की बस खा रहे हैं जी, टाइट कर दिया ना, खत्म हो जाएगा, सही बात है। क्या बॉक्स सा लगा रहे भाई इसका है अरे सही है भाई, अपना उत्तराखंड आगे होना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली विल्ली वाले लोग ना एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं जी जी, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, ये वाली एक बात है, और बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने शहर को या अपने स्टेट को अपना वो कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो। डेबिट वगैरह पूरे टाइट हो गए इसके, भाई ने डेबिट वगैरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास टाइट कर दी है, बाकी अभी इसका ऊपर का कैबिनेट लग रही है जो बॉक्स होता है, और फिर पूछा भी भाई से मैंने, आरिफ भाई से मैंने कि भाई डेबिट के बाद तो नहीं कोई आवाज़ आने की, तो कहने लगे कि नहीं। अच्छा ये फर्स्ट सर्विस पे इसके डेबिट टाइट होते हैं और थर्ड सर्विस पे होते हैं ना भाई, थर्ड सर्विस पे होते हैं इसके डेबिट टाइट, फर्स्ट और थर्ड हमारे सर आ चुके हैं इंस्पेक्शन करने पूरा ये पूरा जब काम हो जाता है तो सर आते हैं स्पेशली इंस्पेक्शन करने पूरा कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। फाइनली डन काम भाई, अरे भाई हाँ टैंक वैंक भी फुल हो गया और यहाँ मेमोरी कार्ड भी फुल हो गया मेमोरी फुल हो गई थी अभी, डिलीट करना पड़ा तब जाके स्पेस आया भाई। फाइल की जगह हम इसमें क्या डाल रहे हैं आरिफ भाई, शहद, ताकि गाड़ी मीठी चले, हाँ मीठा तो नहीं होने का कोई इस पे बैठ के ठीक है तो भाई ये ऑयल वगैरह कर दिया गाड़ी में। ये जो आप तेल इसमें खुला डाल रहे हो, ये डब्बे वाले नहीं आते है? नहीं मतलब
ऑयल अगर हम अपना डलवाना चाहे डब्बे वाला तो नहीं डालते आप? आपने स्पेशली दी की गाड़ियों के लिए? हाँ सर, इसीलिए होता है इंटरसेप्टर और जीटी और 650 मिट्टी और स्पेशली आप लोग। हाँ जी सर, इसकी गारंटी अलग होती है और जो अपनी 350 है उनकी अलग गारंटी होती है। ओके भाई समझ पा लो भाई स्टार्ट हो गई बाइक और हम चेक करते हैं इसकी आवाज़, जो मेन कारण है डेबिट टाइप करने का, तो देखते हैं वो आवाज़ आती है या नहीं आती है। वो तो काफ़ी गर्म होने के बाद आती है ना। लो भाई फाइनली अपनी मिट्योर की सर्विस डन हो चुकी है और इधर आरिफ भाई टेस्ट राइड लेते हुए। डन भाई गाइस अपनी बाइक की सर्विस डन हो चुकी है तो अभी सरकाम भाई आ जाएंगे लेके, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी डालना है गाइस और 11 बज चुके हैं, अब घर जाऊंगा जल्दी फटाफट ब्लॉग डालता हूँ। ठीक है, बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, उसी 900 पे आया था अभी, तो चलते हैं घर। हाँ